हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तैयार हो चुका है हमारा भुट्टे का हलवा। यहाँ ना मैं भुट्टे का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए भुट्टा छील ले रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, वाह। तो भुट्टा छीलते छीलते ना मैं छत पर आ गई थी, छत का खिड़की से देखी ना इतना सुंदर नज़ारा, तो मैं रह नहीं पाई। जो था ना कि बादल भी घनघोर किए हुए हैं और इधर चंदा मामा भी आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए छत पर चली आई और ख़ुद भी देखकर ना मन मोह ले रहा था। और उसके बाद ना मैं नीचे आ गई और यहाँ पर कपड़े सजा ले रही हूँ। शाम का समय था, 7 बज रहे थे, तो मैं कपड़ा वगैरह सजा ले रही हूँ यहाँ पर। और ना सुबह काफ़ी कपड़े धुले थे तो सारे पड़े हुए थे, तो मैं सोची पहले इसको सजा कर रख लेती हूँ, उसके बाद कुछ दूसरा काम करूँगी। तो देखिए बेडशीट वगैरह सभी धुले थे, तो मैं सबको सजा ले रही हूँ। और उसके तो देखिए कपड़ा हमारा सजाना हो गया है। और ना पिल्लो कवर भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि कवर सब धुले थे तो नहीं लगा पाई थी दिन में, तो अभी मैं लगा ले रही हूँ। शाम को ना थोड़ा सा निश्चिंत होता है काम करने के लिए, और सुबह में तो पूरा भागम दौड़ी रहता है इधर उधर, तो नहीं हो पाता है। तो मैं ये सब काम ना ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। तो देखिए हो गया हमारा कपड़ा और कवर लगाना। तो इधर मैं चाय बनाने के लिए रख दे रही हूँ, तो लाल चाय बना रही हूँ। दूध चाय नहीं पीते हैं हम लोग, क्योंकि दूध चाय ऐसे भी ज़्यादा पीना नहीं, कभी कभार पी लेती हूँ, पर ज़्यादातर लाल चाय ही बनता है। तो यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख दी, और मुझे प्यास लग रही थी तो थोड़ा पानी पी ले रही हूँ। और जब तक चाय हमारा बन रहा ना, तब तक यहाँ पर मैं हलवे की तैयारी कर ले रही हूँ। तो भुट्टा छील कर रख लिए थे, तो उसको थोड़ा सा धुल ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो वो इतना सारा कवरेज रहता है, फिर भी बाज़ार से होकर गुज़रता है, फिर घर में भी आके रखे हुए थे तो बाहर में ही रखे हुए थे, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा धुल ली हूँ और चाय छान कर दे आई। और यहाँ पर भुट्टे को मैं पीस ले रही हूँ ग्राइंडर मशीन में। देखिए भुट्टा हमारा पीस चुका है, पूरा बारीक पीस ली हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा मोटा रहेगा ना तो जब खाइएगा ना तो मुंह में थोड़ा खसखसा लगेगा। और ये देखिए भुट्टे का हलवा बनाने के लिए भुट्टा को पीस कर ले लिए हैं। और ये घी है, चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट है। आपके पास इसके अलावा भी कुछ ड्राई फ्रूट हो ना तो वो भी ले सकते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट दूध। तो इधर कढ़ाही गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और उसमें भर कर 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। अभी ना मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा किए हुए है, बारिश हो रहा ना, तो इस वजह से घी ना स्टिकी हो गई है, तो थोड़ा सा चम्मच से निकलने में टाइम लगाता है। और घी गर्म हो गया ना तो उसमें पहले मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट फ्राई करके डालने से ना उसका टेस्ट अलग आता है, घी में फ्राई करने से ना और टेस्टी हो जाता है। खास करके काजू तो मुझे घी में फ्राई किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको फ्राई कर ली, और ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं की हूँ, क्योंकि फिर ना किशमिश जल जाता, और जो घी बचे ना उसमें मैं भुट्टे का जो पेस्ट बनाई थी उसको डाल दे रही हूँ, और डालकर उसको भूनूंगी। बहुत अच्छी तरह से भूनना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है पर ना बहुत टेस्टी हलवा बनता है। उसको तब तक धीमी आंच पर चलाते जाना है, भूनते जाना है, जब तक कि वो उसका कच्चापन ना निकल जाए और थोड़ा सा लाल ना हो जाए। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं चीनी डाल दे रही हूँ, आप अपने अनुसार चीनी डालिएगा कम या बेसी। और ना हलवा बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो साथ के साथ इधर मैं सब्जी भी चढ़ा दे रही हूँ कुकर में, और इधर हलवा भी बनाते जा रही हूँ।
तो चीनी डालकर थोड़ा सा देर भुनने के बाद मैं इसमें भुनी हुई जो ड्राई फ्रूट थी ना वो उसको डाल दी हूँ, और डालकर अच्छी तरह से देखिए चला ले रही हूँ। तो यहाँ हमारा भूनकर तैयार हो गया सारा चीज़। तो यहाँ पर मैं दूध डाल दी हूँ, और ना थोड़ा सा ही दूध आपको वीडियो में दिखा क्योंकि ना एक क्लिप डिलीट हो चुका था। तो दूध डालकर और उधर ढक कर मैं उसको पकने के लिए रख दी हूँ, और इधर सब्जी में मसाला वगैरह भून कर और उसमें पानी दे दे रही हूँ कि संग में सारा काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग खाना मतलब 9 बजते 9:30 बजते खाना हो जाता है, हम लोग खाएं या ना खाएं इसके पापा खा लेते हैं, क्योंकि वो सो जाते हैं ना, सुबह जल्दी जाना पड़ता है 4 बजे उठ के ही, तो इस वजह से जल्दी सो जाते हैं। और यहाँ देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है, और इसमें ना थोड़ा 1 चम्मच घी और मैं डाल दी हूँ, डालकर मिला ली और थोड़ा देर और भूनने के लिए धीमी आंच पर रख दी हूँ। और इधर बगल में रोटी बनाते जा रही हूँ क्योंकि खाना मांग रहे थे, तो मैं बोली कि फटाफट मैं रोटी बना देती हूँ। और ऐसे भी ना मेरे यहाँ ज़्यादातर गर्मा गर्म खाना ही सब लोग खाते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं लेट से ही बनाती हूँ रात को। तो देखिए हमारा रोटी बन रहा है, और देर हो रहा था ना तो इस वजह से मैं 3-4 रोटी एक बार ही करते जो तवा पर सेकते जा रही हूँ। तो देखिए फटाफट इससे ना थोड़ा जल्दी बनता है, एक एक करके बेलूंगी ना बना सेकूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं 3-4 रोटी एक बार करके बना रही हूँ। तो देखिए हमारा रोटी बनकर तैयार हो गया है, तो खाना हमारा बन चुका है, हलवा भी बन गया है। और मैं अब ना किचन को साफ़ कर ले रही हूँ, और ये जो सिंक में बर्तन पड़े हुए थे ना तो उसको मैं धुल कर रख रही हूँ, अभी मांझी नहीं हूँ तो धुल कर रख ले रही हूँ, क्योंकि जूठा बर्तन इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो अभी बर्तन नहीं धुलूँगी, तो इसीलिए मैं उसको धुल कर रख दी हूँ। कहते हैं ना कि रात को जूठा नहीं रखना चाहिए, तो मैं रात को बर्तन ज़्यादातर नहीं धोती हूँ, तो लेकिन जूठा भी नहीं रखती हूँ, उस तरह से उसका जूठा सारा हटा के और उसको धोकर पानी से रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा बर्तन धुल कर रख दी हूँ मैं, और किचन भी साफ़ कर ली हूँ। और ये थाली में लगे हुए थे कुछ पड़ गए थे तो उसको मैं धुल दी हूँ। आज सारा कुछ ना गैस पर रख कर ढक दी और पूरा सेल अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। और देखिए ये कपड़ा मैं यहीं पर धो के डाल देती हूँ, वो सूखते रहता है। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुका है हमारा भुट्टे का हलवा, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसे आप भी अपने घर में बनाइए खाइए, और हाँ हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा लगा आपको। तो वीडियो को यहीं मैं एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक लेटा।